हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस जॉब स्टेलर में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो क्या है सी एस सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय पालमपुर से, और यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो लाइक बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है इन्होंने, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ एडवर्टाइजमेंट प्लीज फाइज इनक्लोज हेयर विद अ कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर टीचिंग पोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर इन्फॉर्मेशन वाई पब्लिसिटी। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है 34 सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय से, ठीक है। तो हम देख लेते इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट है वो मैंसन कर रखी है, साथ ही डिसिप्लिन और नंबर ऑफ पोस्ट और कैटेगरी भी यहाँ पे मैंसन कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ पे टू पोस्ट हैं, शेड्यूल कास्ट में वन, एक्स एस एम अनरिजर्व में वन। तो ऐसे करके आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है या जिसमें आपने स्पेशलाइजेशन किया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो है पोस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपकी एम एस सी एम टेक एम बी ए होनी चाहिए, आपका जो नेट है वो सी एस आई है यू जी सी होना चाहिए, या आई सी आर या सिमिलर टेस्ट जो है आपका क्वालिफाई होना कंपलसरी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसा कि आपका जब 55% जो है आपका पीजी में होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका नेट जो है वो क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने जो पीएचडी है उसका स्टेज 2009 से पहले किया है, तो आपका पीएचडी रेगुलर मोड में होना चाहिए। आपके पीएचडी थीसिस को एटलीस्ट टू एग्जामिनर ने इवेलुएट किया होना चाहिए, वो अपन पीएचडी वाइज होना चाहिए, और आपका मिनिमम लाइक टू रिसर्च पेपर होना चाहिए आपके थीसिस से, और टू प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स में होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें वो यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। इसके अलावा हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अब क्या है कि जितनी भी पोस्ट यहाँ मेंशन कर रखी है उन पोस्ट के लिए लाइक स्पेसिफिक जो क्वालिफिकेशन वो यहाँ मेंशन कर रखा है। फॉर एग्जांपल, अगर पोस्ट है सीए नंबर 13 वेटरनरी फैक्ट्री फैकल्टी के लिए, तो आपका बीबीएससी होना चाहिए, एज डिग्री होना चाहिए फिशीज में, ऐसे ही बीएससी बायोलॉजी या फिशलेसी या इक्वलेंट में होना चाहिए, तब आप जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही एमबीएससी मास्टर इन वेटरनरी साइंस, एमएफएससी मास्टर इन फिशरी साइंस और एमएससी जो होना चाहिए, ऑल इट्स इक्वलेंट मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, ठीक है। इसके अलावा आपका जो सीएसआई यूजीसी आईसीआर नेट होना जरूरी है, अगर आपका नेट क्वालिफाई है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप जो है डिफरेंट डिफरेंट जो क्वालिफिकेशन है वो देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आप कौन सी लाइक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इसकी लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो ये 6 अप्रैल 2021 है, ठीक है, और नॉन ट्राइबल एरियाज के लिए 20 अप्रैल 2021 यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इसके बाद आपको करना कि आपको अपने एप्लीकेशन जो है रिक्वेस्टेड परफॉर्मर में फिल करना है, आपको रजिस्टर पोस्ट के थ्रू जो है आपको सेंड कर देना है द असिस्टेंट इन द ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट रजिस्ट्रार सी एस के एच पी के वी पालमपुर ऑन एनी वर्किंग डे फ्रॉम 10 AM टू 5 PM, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सब जो है पॉइंट्स वो देखने हैं, और उसके बाद ही जो है आपको ये जो फॉर्म है वो फिलअप करना है और आपको जो है सेंड कर देना है। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने फॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लाइक के दे रखा है, तो आपको ये फॉर्म जो इसका प्रिंट आउट लेके जो है आपको फिल करना है, और अपने जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको अटैच करना है और आपको सेंड कर देना है रिक्वेस्ट लाइक गिवन एड्रेस में, ठीक है। तो ये फॉर्म आप देख सकते हैं, इसका प्रिंट आउट लेकर आप फिल कर सकते हैं और आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।